going to Disneyland. तो जोर लगा के हैया। प्यारा सा गार्डन और प्यारी सी गुड़िया यहाँ पर। कहाँ जा रही है आज? और देखो तैबा के भी प्यारे से बाल बन गए। तैबा कपड़े तो दिखाओ। दो देखो, दोनों बहनों ने एक जैसे पहने हुए हैं। एक अभी हम सब यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गए। इन दोनों का आज मैचिंग हो गया और मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैचिंग करी। आज मैंने पहना है पाकिस्तानी ड्रेस। मैंने सोचा आज है ना पाकिस्तानी सूट पहन लेते हैं। जाते जाते जो है ना थाईलैंड में एक दफा पाकिस्तानी सूट पहनते हैं। तो ये तो फिर बोलेंगे वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। ओके इधर इधर ठीक हो। वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। एक पेरिस में और एक जापान में, एक पता नहीं कहाँ फेमस बड़ा डिज्नीलैंड है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आयत की विश पूरी करेंगे। फिर जब अल्लाह पाक ने मौका दिया, फिलहाल थाईलैंड में जो यहाँ का है उसको घूम फिर किया से। यहाँ पर मेरा मुन्ना भी तैयार है बिल्कुल नींद में। अब तो बिल्कुल ये थक हार चुके हैं, इनका घूमने फिरने का मूड ही नहीं। अब कहते सोए रहे बस। चलो चलो आयत आयत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से है। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड आयत की विश पूरी करने। अब जब अल्लाह पाक हमें मौका देगा, पेरिस में है और पता नहीं कौन कौन से कुछ कंट्री हैं वहाँ पर है, जो एक फेमस डिज्नीलैंड है, जहाँ पर डिज्नीलैंड में वो सारे जितने भी ये कार्टून के करेक्टर होते हैं ना, वो सारी प्रिंसेस होती है, वो सारी ना वहाँ पर घूम रही होती हैं वैसा ड्रेसिंग करके सब कुछ। तो उस तरह का तो खैर ये मेरे ख्याल से वैसा नहीं है, लेकिन ये यहाँ का डिज्नीलैंड है थाईलैंड का, और इसको बोलते हैं ड्रीम वर्ल्ड। तो हमने जिससे पूछा तो सबने कहा यहाँ का यही डिज्नीलैंड है। तो चलो वहाँ से अभी होकर आते हैं। ऐसा खूबसूरत सा मैंने सूट पहना ना, ये मैंने पहना है एएस कॉर्नर का, और इसके काम देखो, दुपट्टे पे भी प्यारा सा ऐसा फ्लावर पल्लू पे बना हुआ है, दो तरफ ऐसे चिकन की लेस लगी है, यहाँ पर बॉर्डर पे भी इतना प्यारा सा इसका ये काम हुआ हुआ है। आए तो कब से गौर किए जा रही है, कैसा काम हुआ हुआ है। ये तो देखो, ये वाला भी देखा है। थाईलैंड में तो बारिश का पता ही नहीं चलता, कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है। और बच्चे भी सो गए, आयत को भी नींद आ गई, ये भी सो गए हैं, ये भी। कह रहा है कि जिस दिन मैं पाकिस्तानी सूट पहनती उसी दिन बारिश शुरू हो जाती है। मतलब पिछली बार भी जब हम सफारी वर्ल्ड गए थे तो मैंने इतना अच्छे से तैयार हुई थी, वो पाकिस्तानी सूट पहना था कि वहाँ पे रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और उस दिन भी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पर थाईलैंड में तो ये बारिश ये है कि हर टाइम होती रहती है। देखो कितना तेज शुरू हो गई है ना। खुल गई। वेलकम टू डिज्नीलैंड। वाह, क्या कह रही थी? हर जगह स्कूल के, ऐसी ऐसी जगहों पर स्कूल के बच्चे बहुत लेकर आते हैं बच्चों को। और तय बगी जाग हो गई, आंखें खुल गई बच्चों। जहाँ पे भी जाओ ना बच्चे पहले दिखाई देते हैं। स्कूल के बच्चे हर जगह आए हुए हैं। फाइनली हमने आयत की विश पूरी कर दी डिज्नीलैंड की। आयो तो डिज्नीलैंड, चलो यहाँ तस्वीरें खिंचवाओ, तस्वीरें यहाँ बहुत प्यारे हैं। मुझसे जाओ कहाँ से? चलो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। बारिश दोबारा से देखो शुरू हो गई है, हल्की हल्की हो रही थी, अब दोबारा से शुरू हो गई। अरे मेरे बच्चे को नींद थी, खुश कैसे हो गए। यहाँ पे तस्वीर अच्छी आती वैसे, यहाँ पर खींचते ना यहाँ पे पिक्चर। तो ये है थाईलैंड का यहाँ का डिज्नीलैंड, और इसमें काफी कुछ है। चलो यहाँ पर अभी हम टिकट लेने के लिए आए हैं, टिकट ले ले फिर चल। देखो हमने अपने टिकट्स ले लिए और बारिश वाला मौसम भी बना हुआ है, अगर के बारिश हो गई तो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ भी नहीं। ये अंकल बैठे क्या पढ़ रहे हैं? नक्शा देख रहे हैं। अंकल हमें भी समझा दे कहाँ कहाँ जाना है, चश्मा लगा के बैठे। चलो चले। अरे रियल है, रियल है ये। अल्लाह का होम है, मस्जिद है यहाँ पर। चल चल भागो आयत का डिज्नीलैंड देखे। घूमते फिरते आयत का डिज्नीलैंड, देखो हमें पाकिस्तान से लड़की कहाँ से कहाँ ले आई है, ड्रीम वर्ल्ड। क्या देखना है आयत? ये सब कितना अच्छा बनाया हुआ है ना, यहाँ पर पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, ऐसा लग रहा है दूर से जैसा फॉग हो। फ्लावर कितने प्यारे प्यारे कलर के यहाँ पे लगे हुए हैं, रंग बिरंगी। भागो अभी आगे चलते हैं, यहाँ से तो हमने देख ली और प्यारी सी एक रील भी बना लिया यहाँ पे। तो तस्वीर खिंचवाते हैं यहाँ पर, आ जाओ आए तो आ जाओ, तस्वीर खिंचवा ले पहले। बच्चे स्कूल में कितना एंजॉय कर रहे हैं ना, हमने ना यहाँ पर अपना फोटो भी बनवा लिया, वापसी पे आगे हमें मिलेगा।
आये ड्रीम ऑन, ड्रीम ऑन आयत के ड्रीम ऑन हो गए। छोटे बच्चों का यहाँ पे वाटर पार्क भी बना हुआ है और यहाँ का जो है ना बच्चे वाटर पार्क भी इंजॉय कर लेते, काफी यहाँ पर भी अच्छा बना हुआ है। खुशी तो देखो, खुशी तो देखो मेरे बच्चों की। यहाँ पे छोटी सी चेयर लिफ्ट भी है यार। अब चलो आयत, अब हम इसमें बैठते हैं, जल्दी से बैठो चलो। देखो सबसे पहले आते ही हमने इसकी राइड ली और इतना यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का आसपास का सारा माहौल। आपके पापा कहाँ चले गए? वो आगे चले। तो चलो जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जल्दी रेसे रेसे, तेजी तेजी तेजी, जोर लगा के हैया, हम आ रहे हैं। आ रहे हम भी, हम भी आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो, हमें वन होना है। जल्दी चलो जल्दी, आपके पापा से पहले पहुंचना है। जीत गए वो, जीत गए वो, पहले ही घूमे हुए थे ना। चलो एक राइड तो हम लेकर इसकी आ गए। मेरे फादर ने लग गई लग गई लग गई। हेलो, मजा आया? पैडल ही नहीं चला रहे। पैडल तो आये तैमा चला रही थी, आप तो सिर्फ मोड़ रहे थे। नहीं मैं अभी, मैंने एक टाइम से ना तो राइड भी हो रहा था लेफ्ट भी, दूसरी राइड भी लेनी है। आज आयत साइज हो गई है। हाँ, पहली हमने राइड ले ली यहाँ की। यही तो हम जहाँ पर भी जाए ना, ये बच्चे हर जगह हमारे साथ होते हैं। मिस्टर बीन, इसका टैडी तो हम घर पे छोड़ के आ गए। हेलो मिस्टर बीन, हाउ आर यू, कैसे हो? आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, देख कैसे रहा है? और हाथ तो देखो ऐसे देख रहे, कितना ज्यादा मेहनत की होगी ना इन सबको बनाने में। देखो असली लग रहा है बिल्कुल। यहाँ बड़े साइज का एप्पल बना हुआ है, साथ में ग्रेप्स, बनाना, सब्जियाँ और स्ट्रॉबेरी। देखो स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, इसमें फिर से वही स्कैम आ गया। यहाँ पर ये गेम खिलाते हैं, पैसे लेते हैं और फिर ये देते भी नहीं है। ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, पिंक वाला। शॉप होती तो आपको ले देती, ये नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी डक, क्या चीजें थी वह? चलो यहाँ से बच्चों ने स्लाइम लिया, इसमें एक छोटा टॉय लिया है। चलो मैंने पूरे अपने बचपन में जब भी ये लिया ना, मैं पहली बार ये दबाया तो फट जाता। ये वाला रोलर कोस्टर कितना बड़ा है ना, बहुत बड़े साइज का ये पूरा वहाँ एंड तक घुमा घुमा के नीचे तक ले आते हैं। यहाँ पर इस लाइन में लगे हैं अपनी दूसरी राइड लेने के लिए। ये तो कब से घुमा रहे, हमारी बारी कब आएगी? आपको तो बड़ी सी खतरनाक वाला वो रोलर कोस्टर दिखाया ना, जो बहुत बड़ा रोलर कोस्टर था, मुस्तफा उस पे जाकर बैठा है। इतना जिद कर रहा था मामा मुझे बैठने दो, मैंने कहा चलो जाओ। हमारी बारी आ गई, रही हमारी गाड़ी। आए बैठो 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 बैठो, जल्दी से बैठो। कई बार तो कमाल कर दिया, कई बार ट्रेन लेकर जा रही है। तो देखो इस रोलर कोस्टर पे मुस्तफा बैठा है। एक्सीलेटर आई है, हमारी ट्रेन लेके जा रही है, कई बार ट्रेन पे घुमा रही है। और ये देखो, ये हमारा ट्रैक है, हम इसको चल रहे हैं। खुद नहीं, आप चलाओ एक्सीलेटर, तो एक्सीलेटर चक्कर हमने लिए। वाह मुस्तफा, बताओ मुझे डर लगा? मैं आपको देख रही थी, आप बैठे थे रोलर कोस्टर पे। बैठा तो था, इतना ज्यादा डर नहीं। बाय बाय, आज हम आगे हैं, आज हम आगे। मैं ना झूलों में बैठती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। पहली बार बैठ तो गई हूँ। हम लोग का पोगा जाके लॉजर है, पुश्त बटन मिला, पुश्त बटन पुश मिला और देखा किसी को ना उसको। डर लग रहा था, हैंडल ही नहीं छोड़ेगा था, ऊपर नहीं करो, ऊपर नहीं करो। सब मैं इस तरफ गिर रहा था, इस साइड पर नहीं आता। तो चलो अब हम जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड। स्नोमैन कितना प्यारा बना हुआ है।
बाहर के कंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर आप बच्चों के साथ ना अभी बच्चे बन जाते हो, बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान में हम लेकर जाते हैं बच्चों को पार्क घुमाने फिराने, वहाँ पर आपने देखा है ना सब पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चे घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना सबके पेरेंट्स भी सब एक साथ, बच्चे पेरेंट्स सब एक साथ झूले ले रहे होते हैं, एक साथ राइड्स ले रहे हैं सारे एक साथ। यहाँ पर बनाया भी इस तरीके का है कि बड़े भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर फ्री में सॉक्स भी सबको दे रहे थे। यहाँ से क्या जूते भी लेने पड़ेंगे? यहाँ पर हमने अपने जूते दे दिए और यहाँ से अभी हमें ये वाले जूते मिलेंगे। देखो पुराने जूते दो और नए जूते लो। अब पिंक जूते लेकर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमें ये कोट पहनना पड़ेगा। प्यारी लग रही है ये किस्में। और तैयबा को ये ग्रीन मिल गया, ब्लू ग्रीन, बहुत क्यूट लग रही है, लग रही है जैसे सर्दी हो गई हो। हम सब ने जाना कोट पहन लिया। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे भागो। अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना ठंड है। दरवाजा बंद कर दियो। मैं अपनी लाइफ में ना पहली बार यहाँ पर ऐसी जगह पर आ रही हूँ। तो देखो सारा ये बर्फ का बना हुआ है। चलो अब अंदर चलते हैं। ओ इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बर्फ है छोड़। बहुत ज्यादा सर्दी है हमें यार, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत बर्फ बन गया है मेरे, बर्फ उठाए ना तो हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो गए। ड्रीम वर्ल्ड थाईलैंड ये ग्लू बना हुआ है, देखो बच्चे इसमें चले गए। ओए इसमें विंडो भी बना हुआ है। आए बाहर आ जाओ, चलो चलते आ जाओ। चलो इसको ना इस पे बैठना था। बस आप पहुंचोगे घर, घर पहुंच जाना, ठीक है बाय बाय। देखो इतना बड़ा ये क्या बना हुआ है। अल्लाह बहुत ज्यादा ठंडी लग रही, बहुत ज्यादा है, जल्दी करें। आगे से आप देख कर आए हो? आगे से देखते हैं। नहीं नहीं चलो चलो, बहुत ज्यादा ठंड है, चलो चलो आजा 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 जल्दी। मेरे हाथ फूल ना ऐसे बर्फ हो रहे हैं, इतने ठंडे हो गए हैं यहाँ पर। और देखो ये बार बार बर्फ भी यहाँ पे साफ की जा रही है। मुस्तफा कई बात नहीं जाना, इधर आ जाओ। ये मुस्तफा कई बात मजा आया, जल्दी आए तो रो रही है, बहुत ठंड हो गया। जाओ मुस्तफा, मजा आया था? आया मजा? चलो मेरा बेबी, चलो चलते हैं यहाँ से। क्रिसमस ट्री को देख के खुश हो रही है। भागो 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 भागो, जाने की खुशी थी, फिर हो रही थी कि जल्दी निकल पाए। आए थोड़ा सुकून मिला है। जा रहे आयत को तो आयत का फेवरेट कलर मिल रहा है आज हर जगह पे। सीट बेल्ट कैसे लगा रही है, अब कैसे समझदार होती जा रही है ना। सब बच्चों को बेल्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, आयत ने अपना बेल्ट खुद ही लगा लिया। आ गया मेरा बेबी राइड लेकर। बाय बाय, बाय बाय मम्मा। यहाँ पर तो बहुत सारी राइड है, मैं तो थक गई हूँ चल चल के। मैंने कहा मैं थोड़ा बैठती हूँ, बच्चे घूमे फिरे। मामा नीचे खड़ी है, आपको फ्रेंड मिल गई, अभी इसी के साथ बैठ रही है। चल पड़ी है आयत, बैठी अपनी फ्रेंड के साथ ऊपर। वापस आया तो यहाँ से तो ट्रेन भी गुजरती है, ये ट्रेन ना पूरा यहाँ का ड्रीम वर्ल्ड दिखाती है। घूम फिर के आ गई,
बाय बाय करो, व्हाट्स योर नेम? बाय बाय करो आयत, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। ये आ गया हमारा मैंगो शेक, बल्कि मैंगो की स्मूथी ले लिए, बिस्किट लेते हैं, ये शेक है, बिस्किट नहीं है। जब हम मलेशिया में थे ना, वहाँ पर भी एक जगह पर ये गोकार्ट था और मिस हो गया था हमसे। मलेशिया में गए थे ना, मुझे नहीं पता था क्या होती है, कहते थे गोकार्ट पे बैठने, वहाँ पे टाइम नहीं था, हम लेट हो रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, मजा आया? वापस मुझे बस करो, और कितना देखो, आज है हमारा यहाँ पर थाईलैंड में लास्ट डे। बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया और सच में आज तो हम थक गए, मतलब कितना घूमे ना, कितना एंजॉय करें, एक लिमिट होता है। और वो हमने सारा जो है ना, हर एक चीज को बहुत अच्छे से, एक होता है ना जब दिल भर जाता है ना, वो हम दिल भर के अब यहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये नहीं होगा हमारे दिल में कि ये जगह नहीं जा सके, ये चीज मिस कर दी। और इनके साथ साथ हम भी बच्चे बने हुए थे। जब आ रहे थे ना, तब वो स्टार्ट में ही उन्होंने एंट्री में हमारी तस्वीरें खींची, वो भी ले लेते, पता नहीं कितने फ्रेम जमा कर लिए ना, क्या पता जल के देखते हैं। लड़के में बहुत एनर्जी है, ये देखो दोबारा से आ गया यहाँ पे बैठने के लिए। आप बैठोगी? नहीं। बस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हर जगह पे लटका हुआ है। हाँ बेटा आपका है ना। आप चीखे निकलेंगी सबकी, देखना। सुनाओ क्या हाल है? फुल ऊपर गया था तब डर लगा, तब थोड़ा डर लगा था मुझे, बहुत ऊपर गए, आप कैसे बैठ जाते हो? इतना पता नहीं चला कितना ऊपर गया। तो यहाँ पर बन रहे बच्चों का पैनकेक, आयत का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, पहले हम यहाँ पर आए तो ये बंद था ना। दोनों के पैनकेक बन के आ गए, ये देखो तो पैनकेक में तो स्टिकी डार्क कर दे दी। बच्चों आज वो सनफ्लावर तो देखें, कितने सारे एक साथ लगे हुए हैं, माशाल्लाह देखो सारे रियल है, ये असली है। हर एक जगह को ना इतना अच्छे से डेकोरेट किया, देखो छोटा सा डोर इसमें चीज लेकर बैठा हुआ है, इतना बड़े खुद इतना छोटे जूते भी तो इतने बड़े बड़े पहने हैं। शेर खान है, शेर खान, एक मिनट ये वाले फ्लावर देखने दो, कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं ना ये, माशाल्लाह। बच्चों के लिए एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया हुआ है, ये हरा दिया। हम देखो वहाँ पर कैसे खड़ी हो गई है, पास वाले पे रख लो सर। अरे वाह मुस्तफा इतना मोटा हो गया, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड बोलते हैं मेरे ख्याल से, यही होती है ना? नहीं। शार्क, असल में भी शार्क इतनी होगी ना मुस्तफा, और दांत भी देखो ऐसे ही होते हैं, इतने बड़े बड़े शार्क है, सबसे बड़ी शार्क होती है ना वो ऐसे ही होती है। ठहरो यहाँ से देखे, अच्छा कलरफुल, एक हरा भरा और एक सुकून वाला माहौल था यहाँ पर, बच्चों ने हम सब ने खूब एंजॉय किया। यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और पाकिस्तान चलते हैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब प्लेन में बैठने की। टुक टुक पे नहीं बैठे, तो इतनी प्यारी किटी ली है, इसे सॉफ्ट सी है। हम पाकिस्तान जाए क्यों? पाकिस्तान में हमारी नोबिता मिस कर, उससे दिखी नोबिता को मिस कर रही हो? पाकिस्तान का खाना याद आ रहा है, और कमरा याद आ रहा है, रूम याद आ रहा है क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छा सो सकता था, अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे आके सो नहीं सकता था। पर नोबिता को मिस कर रही हूँ, नोबिता को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और तैयबा, नोबिता और इब्राहिम, नोबिता और इब्राहिम। तो अभी हम वापस आ चुके हैं, बहुत ज्यादा थक भी गए, आज है हमारा लास्ट डे थाईलैंड में, बहुत सारी यादें बना के सच में जा रहे हैं, थक भी अब बहुत गए ना, बहुत ज्यादा अपना घर याद आ रहा है, पाकिस्तान याद आ रहा है, वहाँ के खाने, अपना रूम, वो जो मेरा नीचे मैट्रेस बिछा होता है वो मेरा मैट्रेस इतना कोई कंफर्टेबल होता है वो याद आ रहा है, और अनीता के हाथ की चाय याद आ रही है, रमजान के हाथ का मैंगो शेक जो बना के पिलाता था वो याद आ रहा है, पाकिस्तान याद आ रहा है, पाकिस्तान तो याद आ रहा है, वहाँ की चीज क्या मिस कर रहे हैं, जो खाने थे पाकिस्तान याद आ रहा है मुस्तफा, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो। अब तो सीख गई है, खैर चलो अभी मुझे चाहिए मेरा पाकिस्तान वाला बेड, ऐसे चुटकी बजाना मुझे पाकिस्तान पहुंच जाए। फिर पाकिस्तान जाऊंगा मैं, 12 घंटे की नींद करूंगा। यहाँ पे भी देखो तैयबा मेरे लिए कार्ड बना रही है, आई लव यू मामा, वाह आई लव यू मॉम,
वरना घर पे तो ये डेली मेरे लिए बनाते थे, यहाँ बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो इस वजह से आज इनको टाइम मिला। देखो इतना ज्यादा थकी हुई थी, अपना ब्लैंकेट यहाँ पर बिछा के पिलो यहाँ पे रख, अपना बिस्तर बिस्तर लगा के सो रही है। तो अभी हम नीचे आए थे, मैंने लाइव की थी, लाइव तो खैर आप सबने सुन ली होगी। फिर हमारे सब्सक्राइबर आ गए थे, उनसे मिले यहाँ तकरीबन एक डेढ़ घंटा, एक घंटा तो उनके साथ बैठे रहे। देखो ये स्पेशल हमारे लिए केक बना कर लाई है। ऐसे हमारी ये सब्सक्राइबर थी, हिंदू सब्सक्राइबर है हमारी, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, इतना ढेर सारा उनसे प्यार मिला। खैर वो यहाँ पर वो शूटिंग करती है, उनका तो काफी बड़ा यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस है, मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा। भैया तो ये केक कटिंग के लिए भी ये साथ में लेकर आइए कि केक बच्चों को काट के दीजिएगा, ये प्लेट्स भी साथ में लेकर आइए, स्पून भी लेकर आइए। स्पेशल मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मेरे लिए ना ये टैबलेट लेकर आई है माइग्रेन के लिए। हमेशा वो मुझे कहती है ना कि मैं तुम्हें देखती हूँ बहुत ज्यादा तुम्हें माइग्रेन होता है, तो उनके रहता है तो वो इंडिया की है ना, तो वो इंडिया से ही अपने लिए टैबलेट वहां से मंगवाती है। जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर है उनको तो पता चल गया होगा कि ये इंडिया की मेडिसन है। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश हमारे लिए केक बना कर आइए, बच्चों के लिए चॉकलेट केक आपके लिए। और बस अभी बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। लगातार 20 दिन से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, डेली का तैयार होकर बाहर निकलना, अब तो इतना दिल कर रहा है ना कि बस आंखें बंद करूं और फौरन से अपने घर में पहुंच जाऊं, अपने रूम में पहुंच जाऊं। बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, अभी कल पूरा दिन हमने सफर में हमारा निकलने वाला है, आज एक लास्ट डे था हमारा थाईलैंड। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ना दो कंट्री नहीं थी, हमारा थर्ड भी था। मतलब अब ना जैसे हमारा आज यहाँ पर लास्ट डे, इसके बाद हम आगे सिंगापुर जाने वाले थे, तो मतलब हमने तीन कंट्री पहले सोचे हुए थे, तीन कंट्री का हमारा प्लान था, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। बहुत ज्यादा थक गए हैं लेकिन दो हमें काफी हो गए, तीसरा अभी जाने की हिम्मत नहीं है सिंगापुर। ये भी अच्छा हुआ था ना कि कैंसिल कर दिया था, वरना अभी ना यहाँ से हमें सीधा सिंगापुर निकलना था, तब भी ऑप्शन था, यहाँ से भी हम जा सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं अभी हमने हमारे अंदर और हिम्मत नहीं, हम फिर दोबारा देखेंगे सिंगापुर का, लेकिन अभी हमने यहाँ से जाना, फिर हमने यहीं पर ही कैंसिल उसका किया था। तो मैं मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।